अगली खबर बलिया से है, जहां बलिया सलेमपुर लोकसभा के मनियर में पहुंचे पूर्व सांसद और समाजवादी पार्टी के नेता रामशंकर विद्यार्थी ने मीडिया के सवालों पर कहा कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मामला है, वो बहुत जल्दी ही अपना प्रत्याशी घोषित भी करेंगे। साथ ही एनडीए पर जमकर निशाना साधा है। वहीं मुख्तार अंसारी के सवाल पर कहा कि इस सरकार को कानून और संविधान पर कोई भरोसा नहीं है, वो संविधान को कुचलना चाहते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मामला है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत जल्दी अपना प्रत्याशी घोषित करेंगे। अभी तक 7-8 इलाकों में, जैसे कुशीनगर हुआ, सलेमपुर हुआ, बलिया हुआ, जौनपुर हुआ, गाजीपुर हुआ, ये सारे पूर्वांचल की सीटें चुकी या वो जून में पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है। आप लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए और बहुत जल्दी घोषणा हो जाएगी। देश बदलाव चाहता है, देश में जो भय व्याप्त है हर क्षेत्र में, और जनता ने नोटिस दो बार नहीं किया, लेकिन दशा 10 वर्ष रहती है और इस बार जनता ने नोटिस लिया।